थर्ड में ही है, टेंथ का हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं, पार्ट टू में हम लोग देखें। इसके पहले थोड़ा सा कल का 5 मिनट रिवाइज हो जाए। तो हम लोग 2 स्टोरी पढ़ रहे थे कल, एक हमने बेल्जियम का पढ़ा और एक कहाँ का पढ़ा, श्रीलंका का। बेल्जियम की कहानी हमने देखा कि वहाँ पे 3 भाषा बोलने वाले लोग थे, डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे। इनका जो कंपोजिशन था, बनावट था, ये बिल्कुल अलग था। पूरे देश भर की बात करें तो 59% पीपल डच बोलते थे, 40% पीपल फ्रेंच बोलते थे और 1% पीपल सिर्फ क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। लेकिन अगर उसके कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात की जाए तो वहाँ पे 80% पीपल फ्रेंच थे और 20% पीपल क्या थे, डच। तो ऐसे में वहाँ क्या हो रहा था, बेल्जियम में फ्रेंच वाले राइट अधिकार वगैरह नहीं दे रहे थे कि इनको, डच वाले, ठीक है, फ्रेंच वाले राइट वगैरह नहीं दे रहे थे डच वालों को, डच के लोगों को पढ़ने का इन सब का कोई राइट नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने विरोध किया और विरोध किया, कुछ मौतें हुई, कुछ लोग लड़े, जब सिविल वॉर हुआ तो लड़ाई हुई। लेकिन इन लोगों ने अपने कंट्री का जो प्रॉब्लम था इसको बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व किया। तीनों भाषा के जो लीडर थे वो सब लोग साथ आके बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि चूंकि पूरे देश में डच ज़्यादा है और फ्रेंच कम है और कैपिटल में फ्रेंच ज़्यादा है डच कम है, तो ऐसा किया जाए 50-50 का रेशियो रखें। देश में 50% डच के पास पावर रहेगा, 50% सीट उनके पास और 50% किनके पास, फ्रेंच के पास रहेगा। तो कैपिटल में फ्रेंच वाले भी 50% किसको देंगे, डच को देंगे, और जो जर्मन है वो तो 1% बस है, तो उनके लिए क्या है। तो यहाँ पे 3 तरह की सरकार बनी, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था, 50-50 का हिसाब। दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको मैप में बताया था कि 10 से टोटल राज्य है, 5 देखिए नॉर्दर्न साइड, मैप में हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्दर्न साइड जो ग्रीन टाइप कलर से या येलो जैसा आपको दिखाया है वो सारा का सारा क्या है, डच का है, वो सारा क्या चीज है, डच का। नीचे रेड वाला जो आप देख रहे हैं वो किसका है, फ्रेंच का। 5 देखिए फ्रेंच का होगा और 5 डच का होगा, ऐसा ठीक। बीच में सिटी कैपिटल ब्रुसेल्स से गोल सा, ओके, आपने देखा। तो एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो एरिया ही ऐसा बांट दिया गया कि जो भाषा बोलने वाले होंगे वो एक एरिया में। और तीसरी गवर्नमेंट कौन सी थी, कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट। कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट में क्या किया गया, लोकल लेवल पे सरकार बनाया गया, वहाँ पे जो भी कम्युनिटी निवास करती है, चाहे वो डच थी, फ्रेंच थी, जर्मन थी, वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते थे, तो सरकार चला सकते, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ के बुक को चला सकते थे, वो अपने अकॉर्डिंग उधर गुड गवर्नेंस कर सकते थे। ये सारी चीज़ें कम्युनिटी गवर्नमेंट में। तो आपने देखा कि ये यूरोप का कंट्री बहुत बेहतर तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया। बहुत बेटर तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की वजह से इसके कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी बना, एक नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो देशों के बीच आपस में संधि है, व्यापारिक संधि और आपस में लड़ाई नहीं करने का, उससे हम लोग बोल रहे हैं नाटो, उसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। और दूसरा यूरोपियन यूनियन, EU, कैपिटल ई कैपिटल यू, यूरोपियन यूनियन, मोर देन 30 कंट्रीज यूरोप के इसमें जुड़े हुए हैं, इसके थ्रू इनका कॉमन करेंसी है यूरो। और इन लोगों ने क्या किया, जैसे अगर आप स्विट्जरलैंड जाते हो तो जो वहाँ का पैसा है वही पैसा आपको कहाँ पे, तो स्पेन में चल जाएगा, वही पैसा आपको दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में चल जाएगा, ठीक है। जबकि अपने इंडिया में क्या है, आप यहाँ का पैसा नेपाल में नहीं चला सकते, अगर चला भी दोगे तो वहाँ पे भाव कुछ और होगा, वहाँ का पैसा आपको देगा, बांग्लादेश में नहीं चला सकते। लेकिन यूरोप के कंट्रीज आपस में एकजुट हुए, उनका पॉपुलेशन कम था, उनको अपनी इंडस्ट्री बहुत मजबूत बनानी थी, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, कॉमन करेंसी को चलाया कि हमारा एक ही करेंसी होगा 30-35 देश, ठीक है। इसी का जो हेड है उसे हम लोग बोल रहे हैं यूरोपियन यूनियन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। चलिए दूसरा आपने बगल में देखा, एक एशिया का कंट्री श्रीलंका का बात किया हमने, 1948 में ये आज़ाद हुआ हम लोगों से लगभग 1 साल बाद, ये भी ब्रिटिश का कॉलोनी था, यहाँ भी भाषा के आधार पर लोग अलग अलग थे। 3 तरह के भाषा पे लोग यहाँ पे थे, सबसे पहले सिन्हाली,
74% पॉपुलेशन सिन्हालीज का था। सिन्हालीज या तो ये बुद्धिस्ट लोग थे, मुस्लिम भी थे, कुछ हिंदू भी थे, लेकिन ये बहुत पुराने शुरू से श्रीलंका में रह रहे थे। कुछ लोग यूं कहते हैं कि ये रावण के जनरेशन वाले, ठीक है, रावण था यहाँ का, श्रीलंका का, श्रीलंका ही तो उसका राजधानी था, लंका, लंकापति रावण, ठीक। तो ऐसे में भी भारतपति रामनाथ कोविंद है जी, लंकापति रावण ऐसे है तो भारतपति राष्ट्रपति भी तो बोलते हैं। चलिए तो श्रीलंका की बात, अब श्रीलंका में 74% सिन्हालीज पीपल है। दो तरह के तमिल थे यहाँ, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल वो तमिल थे जो क्या हुआ कि ब्रिटिश के आने के पहले ही कहाँ चले गए, श्रीलंका चले गए थे, ब्रिटिश के आने के पहले श्रीलंका चले गए। और 5% वो तमिल थे जिनको ब्रिटिश अपने साथ लेके गए कहाँ पे, श्रीलंका। किस चीज के लिए, उनसे खेती वगैरह करवाने, ठीक है, इसको करवाने। तो अब यहाँ क्या हुआ, 13% श्रीलंकन तमिल थे, 13% जो पहले जा चुके, और 5% तमिल को ब्रिटिश लेके गए, 18% तमिल बोलने वाले लोग, 74% सिन्हालीज बोलने वाले, बाकी इंग्लिश विंग्लिश चाइनीज जो कुछ भी रहे, मैंडेरियन, ये सब अलग अलग लोग थे। यहाँ लड़ाई दो ग्रुप के बीच में, सिन्हालीज के बीच में और साथ में किसके बीच में, तमिल के बीच में। सरकार ने क्या किया, भाषा ही बना दिया सिन्हालीज, सिन्हाली भाषा बोलने वाले लोगों को गवर्नमेंट जॉब में छूट दिया, वही भाषा वहाँ की नेशनल लैंग्वेज बन गई। तो ऐसे में तमिल वालों ने अपना अधिकार मांगा, बदले में उन्हें अधिकार वगैरह कुछ मिला नहीं। बहुत सारे तमिल के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला गया, तब उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। तमिल भाषा में इलाम का मतलब होता है राज्य। उन लोगों ने डिमांड किया कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमें सेपरेट चाहिए। आप मैप देखो तो आप देखोगे ईस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड हल्का सा जो ऑरेंज टाइप कलर है, वो कलर है किसका, श्रीलंकन तमिल के एरिया का। और जो आपको वो पूरा येलो सा दिख रहा है वो क्या है, सिन्हाली। तो इन लोगों का डिमांड था कि हमें भी एक अलग देश बनाना है, इन सब का मतलब तमिल लोगों का। सपोर्ट नहीं मिला, बहुत भयंकर सिविल वॉर हुआ यहाँ, यहाँ की सरकार सही से सचेत नहीं हुई, उसने बड़े बेटर तरीके से इसको सॉल्व नहीं किया, सॉर्ट आउट नहीं किया, जिसकी वजह से नतीजा यहाँ क्या हुआ कि सेपरेट हो गया और कंट्री में बहुत सिविल वॉर, 10 लाख लोग मरा। बीच में रखो, दिख लेगी। चलिए तो आप देख लिए बेल्जियम श्रीलंका का, मैजीरो टेरिनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में क्या था, जबरदस्ती ये लोग किसको बढ़ावा दे रहा था, सिन्हालीज भाषा को। 1956 में देखो एक एक्ट पास हुआ जिसमें बस सिन्हालीज भाषा ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज रह गई, तमिल को इन लोगों ने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आपको पोजीशन चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कहीं भी कुछ करना है आपको, कौन सी भाषा पे छूट मिलेगा, सिन्हालीज। श्रीलंकन तमिल को कैसा महसूस हुआ, उनको लगा कि उनको देश से बाहर, देश से निकाल दिया, उनको लगा ये सरकार हमें पॉलिटिकल इक्वल राइट नहीं देता, नौकरी नहीं दे रहा है इसीलिए। तो यहाँ एक ग्लॉसरी में वर्ड है मेजोरिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या होता है, मेजोरिटी मतलब रूल बाय मेजोरिटी। जब कोई बहुमत में कोई एक कम्युनिटी अपने, जैसे इंडिया में 80% हिंदू, 81% 14-15% मुस्लिम, बाकी सब अलग, ठीक है। तो ऐसे में आपने क्या देखा कि अगर इंडिया में हिंदुओं की रूल हो जाए पूरी तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म, है ना, एक समुदाय जबरदस्ती किया, वही श्रीलंका का। तो यहाँ है, इसमें क्या है कि एक बिलीव, एक विश्वास है कि जो कम्युनिटी सबसे ज्यादा संख्या में होगा वही कम्युनिटी क्या करेगा, रूल करेगा किस पे, देश पे। उधर दिया हुआ ग्लॉसरी में इथनिक वर्ड, इथनिक मतलब क्या होता है, इथनिक मतलब होता है समुदाय, इथनिक मतलब समुदाय, ठीक है। तो इथनिक साइड में नहीं दिया वर्ड, इथनिक वहां दे दिया ना, पीछे लिखा हुआ नहीं दिया, ओरिजिनल एनसीईआरटी को, इसलिए हम कहते हैं हमेशा ओरिजिनल लेना। इथनिक क्या है, एक सोशल डिवीजन जिसमें कल्चर शेयर होगा, लोग एक इथनिक ग्रुप पे विश्वास करते हैं कि उनका कॉमन वंशज रहा है, एक दूसरे को वो सपोर्ट करें। तो इथनिक मतलब ऐसा नहीं है कि इथनिक का मतलब, इथनिक मीन्स ये भी हो सकता है, एक जाति, एक धर्म, एक राष्ट्र,
या एक बाबा के चेले, वो भी इथनिक हो। अब सपोज करो कि अनिका और यहाँ पे सौम्या, उधर अमन, रिसु, ये सब क्या चीज है, चारों आसाराम बापू का चेला है, तो ये क्या हुआ, ये लोग एक इथनिक कंपोजिशन क्या, ठीक है जी। आसाराम बापू का नाम सुने हो ना, 72 साल की उम्र में रेप में बाबा फंसे ने वाजिब चीज, तुम सोच लो कैसा कैसा बाबा है। नेक्स्ट, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में कैसे संभाला गया, ये तो तुमको मैंने पहले बता दिया कि यहाँ का संविधान क्या किया, डच और फ्रेंच को इक्वल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्पेशल लॉ दोनों ग्रुप को बराबर दिया, साथ में एक कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकता था, एक समुदाय अकेले फैसला नहीं ले सकता था, दोनों मिलकर फैसला लेगा, कौन कौन, फ्रेंच और डच। बहुत सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का किसको शिफ्ट कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिया, किया, ठीक है। साथ में दो क्षेत्रों में चला गया, दो क्षेत्रों में मतलब बांट दिया गया, राज्य सरकार तो अलग अलग ही थी, पांच पांच करके। ब्रुसेल्स में क्या किया गया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक, जहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, 50 डच को, 50 किसको, फ्रेंच को, दोनों को दिया गया। सेंट्रल और स्टेट के अलावा यहाँ एक गवर्नमेंट बनी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से था, हाउ डिड पीपल ऑफ बेल्जियम एकोमोडेटेड द प्रॉब्लम, एकोमोडेट करना मतलब संभालना, ठीक है, कैसे उन्होंने संभाला, तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, आगे बढ़े, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब यहाँ से दो पॉइंट है, पावर शेयरिंग क्यों बेनिफिशियल है, क्यों टिकाऊ है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखोगे, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, द फर्स्ट वन इज, पहला फैक्टर ये है कि पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल है क्योंकि इसकी, इसका दो रीजन है, एक मॉरल रीजन और एक प्रूडेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, इसका दो रीजन है, एक मॉरल रीजन और एक कैसा रीजन, प्रूडेंशियल रीजन। मॉरल मतलब क्या होता, मतलब नैतिकता के आधार पर पावर शेयरिंग इसलिए करना चाहिए, पावर इसलिए बांटना चाहिए क्योंकि सब आदमी को बराबर हक मिले, नैतिकता के आधार पे किसी को बड़ा या छोटा हम लोग न समझे, इसलिए पावर शेयरिंग को अच्छा बताएंगे। अब प्रोडेंशियल मतलब क्या होता है, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, अगर तुम पावर शेयरिंग नहीं करोगे तो देश टिकेगा कि देश बट जाएगा, बट जाएगा। वो ना पाकिस्तान था, बांग्लादेश पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, और ये जो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले को अधिकार नहीं दिया, लास्ट में लड़ाई करके अलग हट गया ना, तो वहां पावर शेयरिंग नहीं किया तो कंट्री टिका। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयर करना क्यों डिजायरेबल है, टिकाऊ क्यों है, तो इसमें लिखना पड़ेगा, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ टू रीजन, वन इज मॉरल रीजन एंड द सेकंड वन इज प्रूडेंशियल रीजन। अकॉर्डिंग टू मॉरल रीजन, वी डोंट वांट टू गिव एनी कम्युनिटी हैविंग मोर पावर एंड एनी कम्युनिटी हैविंग लेस पावर। हम लोग नहीं चाहते कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिले, हम लोग चाहते हैं सब बैलेंस में रहे, इक्वल होकर, ठीक है, वो मॉरल है, नैतिकता, नैतिकता समझते हो, आपके अंदर से निकलता है कि नहीं हमको हेल्प करना है, हमको ये करना है। और दूसरा क्या है, प्रूडेंशियल। अब प्रूडेंशियल क्या है, प्रूडेंशियल मतलब प्रॉफिट सोच के, अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करें तो श्रीलंका जैसा 10 लाख लोग मरेगा, उसका पॉपुलेशन कम था तो हमारा 10 लाख, मेरे यहाँ होगा तो कितना मरेगा, 10 लाख को 10 करोड़ बना लो, उतना लोग मरेगा आपस में, कहीं से सही है कि लोगों को मारना, इससे अच्छा कि पावर शेयरिंग करें। इसलिए इंडिया में पावर शेयरिंग किया गया, हमारे यहाँ पावर शेयरिंग बहुत तरीके से, हमारे यहाँ एक भाषा को नहीं बढ़ाया गया, जबकि 40% इंडियन बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज, पर डे में यूज करते हैं, बट फिर भी हिंदी क्या इंडिया की नेशनल भाषा नहीं है, इंडिया की ऑफिशियल भाषा दो है, इंग्लिश और हिंदी, दोनों, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में लेटर और विज्ञापन आता है, इंडिया की ऑफिशियल भाषा। इसके अलावा 22 भाषा भारत में तक है, जिस भाषा के पास भी ग्रामर है उसको भाषा का दर्जा दिया गया अपने इंडिया, और जो ज्यादा लोग बोलते हो और ओरिजिन हो अपना उसको दिया गया। तो अपने यहाँ एक लैंग्वेज नहीं, हमने सबको हेल्प किया, अपने यहाँ पोस्ट जो है टॉप गवर्नमेंट पोस्ट भी खाली रहता है, आप कोई भी बन सकते हैं। अब देख लीजिए APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, ये 3-4 मुस्लिम बने क्या चीज, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, ये प्रेसिडेंट बने। और अगर तुम बात कर लो प्राइम मिनिस्टर की, मनमोहन सिंह रहे ना, सिख अपने पूरे भारत में 3.5% है, और वो
81% हिंदू के ऊपर भी उनको बनाया गया मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर। उसके पहले ज्ञानी जैल सिंह बने थे, राष्ट्रपति पंजाबी थे। तो सोच लो अपने यहाँ पावर शेयरिंग है कि नहीं, कम लेस वाला भी बन रहा। जॉर्ज फर्नांडिस 1% हार्डली क्रिश्चियन है अपने पूरे भारत, 1% क्रिश्चियन इन ऑल ओवर इंडिया, इतना ही होगा। और उस 1% क्रिश्चियन में भी जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह मिनिस्टर बने, तो ये अपने यहाँ बड़ी बात है कि नहीं। चलिए, तो पावर सेलिंग क्यों टिका हुआ पता चल गया ना, क्या रीजन है? मॉरल और प्रूडेंशियल। चलिए आगे देखें, खलील से डायलेमा, खलील की उलझन क्या, जरा सा पढ़ना, ये अभी के हिसाब से बहुत जरूरी है और आजकल तो यही चल रहा है। अभी आपको पता चल रहा, सुन रहे होगे आप लोग, हमास के बीच में और इजराइल के बीच में डेली लड़ाई चल रही थी। 11 दिन दोनों एक दूसरे की तरफ से रॉकेट छोड़ा और मारा, 250 से ज्यादा नागरिक लोग मारा। कोई नहीं सुना हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल एक क्रिश्चियन का कंट्री, वेस्ट एशिया में ये देश है। इजराइल 7 मुस्लिम देश से घिरा हुआ है, इजिप्ट से, सऊदी अरबिया से, जॉर्डन से, इधर आपको सीरिया से, ठीक है, साथ में टर्की इराक सब भी सपोर्ट करता है किसको, उसी को, इजराइल को खिलाफ करता है इजराइल। नतीजा हाँ, लेबनान भी एक कंट्री हो, नतीजा इजराइल अकेले इन सबसे लड़ते रहता है। लेकिन इजराइल का इतना स्ट्रॉन्ग मिसाइल सिस्टम सब है कि अगर वो 2900 रॉकेट 3000 रॉकेट हमास छोड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस पर, तो इजराइल उसमें से 90% रॉकेट को हवा में ही रोक दी। उसका आयरन डोम सिस्टम, अगर तुम इजराइल को, उसको 3 मिनट का टाइम मिल जाए, इजराइल को 3 मिनट का टाइम मिल जाए कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन गिरने वाला है, परमाणु हथियार, तो अपने ATU-Z लोग को बचा लेगा। नीचे बहुत लंबा चौड़ा टनल बनाया हुआ है जो परमाणु बम का भी झटका सह ले, ठीक है, एटम बम का भी झटका सह ले, इतना खतरनाक बनाए हुए इजराइल। 3 मिनट का टाइम दोगे तो उसका एक सिटीजन, एक नागरिक नहीं मरेगा, सबको बचा लेगा। और अगर उसको आप 9 से 10 मिनट टाइम दे दिए तब तो जानवर तक को बचा लेगा, इतना स्ट्रांग बनाया अपने आप। कौन? अपने इंडिया के पास 5000 किलोमीटर दूर तक मिसाइल मारने का क्षमता है, उसके पास 6000-7000 किलोमीटर तक का मिसाइल मारने का क्षमता है। तो आपसे टेक्नोलॉजी में वीक है कि स्ट्रांग है? स्ट्रांग। पॉपुलेशन कम है लेकिन इन सब में स्ट्रांग है। तो हम लोग क्या, तो महिला सब छोले डब्बू लेके, लेकिन उसका एक रॉकेट गिरेगा रहीमा। देखिए खलील का उलझन क्या भाई, खलील जैसे पुराने जमाने में तुम विक्रम बैताल का कहानी सुने, विक्रम बैताल का कहानी पढ़े या सुने? सुनता है, सिंहासन 32 नेम का एक किताब, उसमें 32 कहानी दिया हुआ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के बारे में और बैताल मतलब प्रेत के बारे में। वहां पे ये था बैताल, विक्रम बैताल में, कि बैताल था मर गया था, उज्जैन की कहानी है, उज्जैन मध्य प्रदेश का। हम लोग उज्जैन 3 साल पहले गए हैं तो वहाँ पे उस पेड़ को भी दिखाया गया था, बरगद का पेड़ जिसमें बैताल लटका हुआ रहता था, ठीक है, और जहाँ विक्रमादित्य को लेके जाना था और जहाँ उसका घोड़ी भाई था उस जगह, सब जगह वहाँ पे नदी के किनारे ही है, सिप्रा नदी के किनारे। तो बैताल का क्या था कि एक साधु आया और वो बोलता है विक्रमादित्य को, विक्रमादित्य बड़ा न्यायी राजा था, तो साधु आके विक्रमादित्य को बोलता है कि एक बैताल है, भूत है, जो हमको क्या करता है, बार बार हवन करने में या पूजा पाठ करने में दिक्कत करता है, सो आप मेरा मदद कीजिए। तो विक्रमादित्य गया वो देखा पेड़ पे बैताल, उसको बोला कि तुम चलो, सो आप अगर उसको पकड़ के ला दीजिएगा मेरे पास तो हम उसको कंट्रोल कर देंगे, तो सबको तंग नहीं करेंगे। तो विक्रमादित्य गया, बैताल को कंधा पे पकड़ के लाता था, रास्ता में विक्रमादित्य बोर ना हो जाए तो बैताल उसको कहानी सुनाता था और बोलता था कि लास्ट में तुमको फैसला करना है कि तुम राजा होते तो तुम क्या करते, और अगर तुम वो कहानी का सही से तुम फैसला नहीं करोगे तो तुमको हम मार देंगे, और तुम अगर बोलेगा, विक्रमादित्य के साथ बैताल ये शर्त रखा कि रास्ता में तुम चुप रहेगा हम तभी तुम्हारे साथ जाएंगे, अगर तुम बोला फिर आके हम लटक जाएंगे इसी तरह, ठीक है। अब हर बार वो रास्ता में कहानी सुना, अब विक्रमादित्य को बोलता था फैसला करो राजा, नहीं करेगा तो तुम कैसा राजा है। विक्रमादित्य बेचारा इमोशनल होकर फैसला करे, बैताल उससे उसके आंसर से खुश हो जाए कि तुम बहुत अच्छा राजा है, फिर बोले तुम बोल चुका है इसलिए हम चले, फिर उठ जाता था। ऐसा कर करके रात भर में 32 बार विक्रमादित्य को हुआ दौड़ाया।
32वां कहानी में वो अपने भाई का कहानी सुनाया कि कैसे उसका भाई उसको मार के उसका संपत्ति हड़प गया, अब वो भूत बन गया है तो उसका आत्मा भटक रहा है, और उसका भाई चाहता है कि विक्रमादित्य का भी राजपाट छीन ले उसका भाई अघोरी जो था, और बाद में पूरे वर्ल्ड पे वो कब्जा करे। ठीक है, विक्रमादित्य को बताया कि ऐसा ऐसा करोगे तो ये सब होगा, देखना वो करेगा ही। विक्रमादित्य गौर किया, सच में वो जो उसका भाई था घोड़ी, वो जानब उसके राजपाट हड़पना चाहता था, विक्रमादित्य उसको मार के समाप्त किया। वही कहानी है विक्रम बैताल। तो बैताल मतलब वो भूत, और विक्रम मतलब विक्रमादित्य। तो बैताल, विक्रम बैताल उस जमाने में पैदल चल रहा था, अब आज का विक्रम बैताल है तो ये चल रहा है किस पे, मोटरसाइकिल पे। ठीक है, मोटरसाइकिल पे चल रहा है, काल्पनिक कहानी है। तो एज यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर वो ऑफ साइलेंस, चुपचाप से चल रहा है, बोलेगा क्या होगा, बैताल फिर भाग जाएगा। एंड बैताल वॉज द पिलियन राइडर, पिलियन राइडर मतलब जो पीछे पकड़ के बैठा रहे। ठीक है, रैक एंड पिलियन होता है, रैक होता है मेन चलाने वाला, पिलियन होता पीछे बैठने वाला। एज यूजुअल बैताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम ए स्टोरी टू कीप हिम अवेक व्हाइल ड्राइविंग, उसको कहानी सुनाना शुरू की। द टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलोज इन द सिटी ऑफ बेरूत। बेरूत क्या है, कैपिटल है कहाँ का, लेबनान का। लेबनान यहाँ पे देश है जी, और यहाँ बेरूत उसका राजधानी। तो लेबनान एक देश है, उसका राजधानी क्या चीज है, बेरूत। ठीक है, तो एक बेरूत शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था खलील, और ऊपर एक खलील से डायलेमा लिखा हुआ, मतलब खलील की उलझन, खलील का क्या उलझन है, क्या परेशानी है। तो खलील था, हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, उसके मम्मी पापा अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति से, ये धर्म से थे। हिज फादर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, इसके पापा क्या थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। क्रिश्चियन दो तरह के हैं यहाँ पे बताया गया, एक कैथोलिक क्रिश्चियन जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स जो कट्टर है, जो रोमन कैथोलिक चर्च वगैरह को नहीं माने उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो दो तरह का क्रिश्चियन, और मुस्लिम भी दो तरह का यहां बताया जाएगा, एक सिया और एक सुन्नी। इसका कहानी कल बताएंगे तुमको, सिया सुन्नी का पूरे पैगंबर मोहम्मद से सारा कहानी। हमको एक मुस्लिम फ्रेंड था मेरा, वो सारा सुनाया, कुछ वो सुनाया कुछ हम भी पढ़े, क्योंकि वो तो अपने धर्म को बचाने के लिए करेगा, हमें अच्छा अच्छी बात बोलेगा, लेकिन कुछ हद तक उसका 90% सही था, कुछ चीज़ छिपा लिया था। जिसके पापा मम्मी अलग अलग कम्युनिटी से थे, पापा थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और मम्मी थी कैसी, सुन्नी मुस्लिम। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ये आजकल के जमाने के हिसाब से कोई अलग नहीं था, आजकल लोग जाति से हटके शादी करता है, इसलिए ये अनकॉमन नहीं था, कॉमन था, ऐसा ट्रेडिशन चल ही रहा था। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटी डेट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बेरूत, लेबनान में जो लोग रहते थे कभी भी राजधानी में रहने का ज्यादा शौक होता है। दे लिव टूगेदर इंटरमिंगल्ड येट फाउट अ बीटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्फ, ये लोग साथ रहते थे बेरूत में, आपस में घुल मिल गए थे, लेकिन आज भी इनके मन में करवाहट थी, किसकी, सिविल वॉर की। सिविल वॉर मतलब ग्रीव, जब कभी अपने ही कंट्री में लोग राइट्स के लिए आपस में फाइट करने लगे, उसको हम लोग सिविल वॉर बोलते। लगा बोले मस्त जी, क्या अच्छा थी आप भी शहीद हो जाए। ठीक, वन ऑफ खलील अंकल वॉज किल्ड इन दैट वॉर, खलील के एक अंकल भी ऐसी ही लड़ाई सिविल वॉर में क्या हुए थे, मर गए थे। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर, ध्यान से सुनना यहां से, लेबनान लीडर्स केम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटी। जब ये सिविल वॉर खत्म हुआ तो लेबनान के नेता सब एक साथ आए और उन्होंने क्या किया कि एक बैठक की और उन्होंने फैसला किया कि क्या क्या आगे के लिए होगा, सारे कम्युनिटी मतलब ये चारों कम्युनिटी, कैथोलिक क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, सिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, चारों लोग साथ में आए और उन्होंने बैठ के कुछ फैसला किया। एज पर द रूल्स द कंट्री प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन, उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका था, कैथोलिक क्रिश्चियन, तो इसका क्या बनेगा, प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति वही बनेगा जो कैथोलिक क्रिश्चियन, क्योंकि उस जमाने में इसका पॉपुलेशन सबसे क्या था,
द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम, सेकंड में इसका था तो प्राइम मिनिस्टर इसका बनेगा। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। एंड द पोस्ट ऑफ स्पीकर फॉर शिया, इन्हें हवाना साहब आप ऐसे क्यों लिखे बुक में, ऐसा किया क्यों दिया, वो लिखने का है। उर्दू में बहुत चीज चेंज हो जाता है, नुक्ता और वो सब लगाता है इसलिए बदल जाता है। तो सीयर, तो आपने देखा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कैथोलिक, इसका क्या बना राष्ट्रपति, सेकंड में सुन्नी मुस्लिम, उसका क्या बना प्राइम मिनिस्टर, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन क्या बना सिया, मुस्लिम इसका क्या बना, ठीक है ये बात। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन। अब लेबनान में जब लड़ाई हो रही थी तो फ्रांस क्या कर रहा था, मदद कर रहा था क्रिश्चियन लोगों को, फ्रांस मदद कर रहा था किसका, क्रिश्चियन लोगों का। तो इस जब संधि हुई पैक्ट हुआ तो क्रिश्चियन बोले कि ठीक है हम लोग फ्रांस से मदद नहीं लेंगे, और मुस्लिम इस बात पे एग्री हुए कि वो सीरिया से मदद नहीं लेंगे, बगल में देश से सीरिया, उसका राजधानी है दमास्कस, उससे नहीं लेंगे। When the Christian and Muslim came to this agreement, they were nearly equal in population. Total Christian और total Muslim दोनों का population लगभग क्या चीज था, बराबर था उस जमाने में जब ये बैठक हुई। Both sides have continued to respect this government and agreement, though now the Muslim are in clear majority. तुम जानते हो population सबसे ज़्यादा किसका बढ़ा, Muslim का। उस जमाने में दोनों Christian मिला के और दोनों ये मुस्लिम मिला के पॉपुलेशन दोनों का लगभग क्या था, सेम था, लेकिन अभी के टाइम में ज्यादा कौन हो गए, मुस्लिम। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट, उसको जरा भी पसंद नहीं है। He is a popular man with political ambition, ये एक अच्छा आदमी है, प्रसिद्ध आदमी है और इसका राजनीतिक कुछ लक्ष्य है। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजिशन इज आउट ऑफ हिज रीच, अभी के समय से इसके पापा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, इसका मतलब ये हाईएस्ट किस पोजिशन पे जा सकता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इसकी मम्मी सुन्नी मुस्लिम थी तो हाईएस्ट किस पोस्ट पे जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ही कभी बन पाएगा नहीं, क्योंकि ये कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं है। ही डज नॉट प्रैक्टिस ईदर हिज फादर्स और हिज मदर रिलीजन एंड डजंट विश टू बी नोन बाय ईदर, नहीं अपने मम्मी पापा का कोई भी रिलेशन, मतलब वो धर्म मानता रिलीजन मानता नहीं, अपना कोई धर्म चाहता। He cannot understand why Lebanon can't be like any other normal democracy. इसको लग रहा है लेबनान इंडिया वगैरह जैसा क्यों नहीं हो सकता? Just hold an election, एक इलेक्शन करवाओ लेबनान में, जैसा इसका सोच है, सबको खड़े होने का मतलब थी दो, मौका दो, जो मैक्सिमम वोट लाएगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, और कोई कम्युनिटी से वो आए उससे मतलब नहीं है। हो सकता है जो सबसे कम पॉपुलेशन में था सिया मुस्लिम, क्या पता इसी के पास अच्छा नेता हो और लोग उसी को सपोर्ट करें, ऐसा इसका सोच है। हम भी इसके सोच की तरफ, व्हाई कांट वी डू दैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ही आस्क हिज एल्डर, इसके पूर्वज बोलते हैं कि इन्होंने ब्लड सेट देखा है, खून के धब्बे छींटे देखे हैं, दोनों साइड के लोग मरे थे, ऐसे में सिविल वॉर खत्म हुआ, तो इसके जो पूर्वज हैं वो सब कहते हैं कि ठीक है ऐसा ही सिस्टम है, कम से कम लोग सुकून से तो है, अपने मारपीट तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस चीज से खलील खुश, तुम खुश हो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे, टीवी टावर पहुंच गया जहां अब इसको फैसला सुनाना है, किसको, विक्रम को बोलना है बात सही की गलत, बोला तब भी उड़ के वो भागेगा है ना जी। बैताल रैप्ड अप क्विकली, तुरंत लटक गया उसके शरीर में और वो तुरंत क्वेश्चन पूछा, If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, अगर लेबनान का कानून तुमको लिखने का रहता तो तुम क्या करते, क्या तुम ऐसा रेगुलर रूल चलाते जैसा खलील बोला, या तुम पुराने रूल पे खलील ऐसा चाहता था कि नहीं वोटिंग करवाओ और जो ज्यादा लाएगा वो जीत जाएगा वो हेड होगा, वैसा ये जो पुराना रूल ये चल रहा है चारों अलग अलग वही रहने देते, या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन था। साथ में बैताल ये भी बोल दिया विक्रम को कि अगर तुम आंसर दी, यहाँ देखो क्या उस समय बोला था कि अगर तुम्हारे मन में आंसर है तुम नहीं बोले तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जल जाओ, अगर बोले तो हम उड़ जाएंगे, ठीक है। और अभी क्या बोला है, अगर तुम्हारे मन में कोई आंसर है और तुम नहीं बोलता तो तुम्हारा मोबाइल फ्रीज हो जाएगा, मतलब बाइक जो है वो जाम हो जाएगा, ठीक है, एंड सो विल यू, और उसके बाद तुम भी।
अब बताओ विक्रम क्या करेगा बेचारा, तुम ही होशियार हो, समझाओ उसे। समझा देगा जी? कितना मिनट हुआ? 29 मिनट। आज के लिए इतना ही ना, अब कल क्या करना, बस ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अच्छा टॉपिक है, मजेदार है, या तो क्वेश्चन इससे आता है या पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है इससे आता है। ठीक है, खलील की उलझन समझ में आई कि आपके मन में भी कोई उलझन है? क्या है ना? ठीक, चलिए तब 600 रुपया काम हो रहा है मतलब, है जी? ठीक, और ये करोगे कल याद दिला देना, सिया सुन्नी का क्या करना, कहानी सुनना। ठीक, ओके, जय हिंद। बढ़िया, किसका?